जब हम महात्मा गांधी और उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किए गए कार्यों के बारे में बात करते हैं, तब अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम को नहीं भूल सकते। इस आश्रम का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। साबरमती नदी के तट पर स्थित आश्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक आइडियोलॉजिकल होम बन गया। 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहे। 1930 में जब वह नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च पर निकले, तब उन्होंने इस आश्रम को छोड़ा। इस आश्रम को छोड़ते वक्त उन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक वे आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। फ्रेंड्स, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो में आज हम साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम में प्रवेश करने से पहले आइए जानते हैं इस आश्रम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल फैक्ट। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया था। ये आश्रम अहमदाबाद के कोचराब में बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले में स्थित, और गांधी ने इसका नाम गांधी आश्रम रखा था। खेती, पशुपालन, गाय पालन और खादी से संबंधित गतिविधियों में गांधी जी की भागीदारी ने उन्हें 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे एक स्थान पर इस आश्रम को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। गांधी आश्रम के दो मुख्य लक्ष्य थे, एक सत्य की खोज करना और दूसरा अहिंसा में विश्वास रखने वाले और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के एक समूह को संगठित करते। गांधी के अनुयायी आश्रम में रहते थे। वे अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए और सत्य को खोजने के लिए अपनी खोज जारी रखते थे, जिसे गांधी भगवान और नैतिकता मानते थे। गुलामी के मुश्किल समय में साबरमती आश्रम आशा की एक किरण था। साबरमती आश्रम के स्थान के बारे में गांधी का मानना था कि जेल और शमशान के बीच आश्रम का यह स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सत्य और निडरता के संघर्ष का प्रतीक था। उनका मानना था कि उनकी गतिविधियों के लिए सत्य की खोज करने और निडरता विकसित करने के लिए यह जगह सही है, क्योंकि इसके एक तरफ साबरमती सेंट्रल जेल है और दूसरी तरफ साबरमती नदी है, जो कि मातृ प्रकृति के वज्र का प्रतीक है। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्याग्रही या सत्य शोधक को इनमें से किसी भी स्थान पर जाना पड़ सकता है। साबरमती आश्रम के निर्माण के वक्त से ही अहिंसा का पालन किया गया था। 14.5 हेक्टेयर की भूमि जहाँ आज आश्रम खड़ा है, पहले वह सांपों से भरी एक बंजर भूमि थी, लेकिन गांधी ने आदेश दिया था कि किसी भी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, जिसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित करने के बाद इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। भारत को अस्पृश्यता के चुंगल से मुक्त कराने की गांधी की प्रतिबद्धता के कारण इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। इस आश्रम के मिथोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम दिदीची ऋषि के आश्रम के स्थान पर स्थित है। दिदीची ऋषि ने अपने जीवन का बलिदान दिया था ताकि दिव्य प्राणी मतलब देव उनकी हड्डियों से वज्र नामक एक हथियार बना सके। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1920 के दशक में साबरमती आश्रम में ही लिखी थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के उपनगर साबरमती में आश्रम रोड पर स्थित है। यह आश्रम का मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले सड़क के दाई ओर एक छड़ी पकड़े हुए गांधी का चित्र दिखाई देगा। 3 बंदरों की प्रतिकृतियाँ साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार के बाई ओर रखी गई है। ये प्रतिकृतियाँ हमें बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो की सीख देती है। निकेदास्तु फुजी नाम के एक जापानी बौद्ध भिक्षु ने महात्मा गांधी को यह वस्तु भेंट की थी, जो वास्तव में गांधी पसंद करते थे और हमेशा इसे अपने मेज पर रखा करते थे। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको गांधी स्मारक संग्रहालय का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। संग्रहालय 2230 वर्ग मीटर में फैला है और आश्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्घाटन हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1963 को किया था। संग्रहालय में एक पुस्तकालय, 2 फोटो गैलरी, एक सभागार और एक सम्मेलन कक्ष है। इस संग्रहालय में गांधी द्वारा लिखे गए 34,000 पत्र, उनके लेखन कार्य, उनकी तस्वीरों की निगेटिव, उनके भाषणों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष पर 210 फिल्में शामिल हैं। अब हम इस संग्रहालय में पहली गैलरी देखने जा रहे हैं, जिसे अहमदाबाद में गांधी गैलरी कहा जाता है। इस गैलरी में आप अहमदाबाद में रहते हुए गांधी द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों को देख सकते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद
9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। वे 1 फरवरी 1915 को अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। अगले 15 वर्षों तक अहमदाबाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका बेस बना हुआ था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी नमक मार्च के समय अहमदाबाद को छोड़ा था। इस गैलरी में हाथ से खींचे गए 50 पैनल हैं जो गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं जो गांधी के अहमदाबाद में रहते हुए हुई थी। इन मुख्य घटनाओं में कोचराब आश्रम की स्थापना, मिल मजदूरों और मालिकों का विवाद, चंपारण आंदोलन, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च आदि का समावेश है। इस संग्रहालय की दूसरी गैलरी है माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक बार जब गांधी बंगाल के दौरे पर गए थे तब गांधी को भारत के लोगों के लिए एक संदेश देने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था, मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है। माई लाइफ इज माई मैसेज एक ऐसी गैलरी है जो महात्मा गांधी के प्रेरक जीवन की घटनाओं को तारीखवार प्रदर्शित करती है। इसे 7 भागों में आयोजित किया गया है जहां 250 से अधिक तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शनी में गांधी जी के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पोरबंदर में उनके जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन को शामिल किया गया है। उनका इंग्लैंड में बिताया गया समय, दक्षिण अफ्रीकी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और अंततः 1948 में दिल्ली में उनकी दुखद हत्या को दर्शाया गया है। अब चलिए हम पेंटिंग गैलरी में चलते हैं। इस गैलरी में विभिन्न गतिविधियों के दौरान विभिन्न मुद्राओं में गांधी को चित्रित करने वाली 8 पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों को 1960 के दशक में चंदूलाल शाह और हीरालाल खत्री द्वारा चित्रित किया गया था, जो कपड़ा व्यापारी होने के साथ साथ कुशल कलाकार भी थे। इसके बाद इन चित्रों को उदारतापूर्वक आश्रम को दान कर दिया गया था। इस गैलरी में श्री राजकिशोर कपूर द्वारा निर्मित गांधी का एक उल्लेखनीय चित्र भी है। यह चित्र अद्वितीय है क्योंकि इसे मूंगफली के छिलकों से बनाया गया है, जिसे गांधी के विवरण को सटीकता से प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग तापमान पर गर्म किया गया था। इस तरह से गांधी के जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समर्पित यह गांधी स्मारक संग्रहालय एक अद्वितीय वास्तु है। अब इस संग्रहालय से निकलकर हम आश्रम के प्रांगण में स्थित दूसरी इमारतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आश्रम की सबसे महत्वपूर्ण कुटीर हृदय कुंज के बारे में जानते हैं। हृदय कुंज यह कुटीर आश्रम में गांधी जी का घर था। 1918 से 1930 तक गांधी जी और कस्तूरबा यहाँ रहे थे। गांधी जी इस कुटीर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मुलाकात करते थे। इस कुटीर के अंदर 6 कमरे हैं, जिसमें गांधी जी का कमरा, कस्तूरबा का कमरा, गेस्ट रूम, किचन, स्टोर रूम और सचिवालय का समावेश है। अब यहाँ गांधी जी की चीज़ों की प्रतिकृतियाँ रखी हुई है, जैसे कि गांधी जी का चरखा और लेखन डेस्क। काका साहेब कालेलकर साहब ने इस कुटी को हृदय कुंज नाम दिया था। यहाँ से कुछ दूरी पर उपासना मंदिर है, जिसे प्रार्थना भूमि भी कहा जाता है। जब अन्य सभी प्राणियों के लिए रात होती है तो अनुशासित आत्मा जागती है। भगवद गीता का ये उपदेश आश्रम जीवन का आदर्श था। प्रार्थना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों गांधी जी के लिए आश्रम जीवन का एक अनिवार्य पहलू था। साबरमती आश्रम के इस स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम को सामूहिक प्रार्थना की जाती थी। आश्रम में सभी धार्मिक प्रार्थनाएं प्रतिदिन की जाती थी। इस जगह पर गांधी जी ने अपने गीता पर प्रवचन दिए। उपासना सभा के कुछ ही दूरी पर विनोबा कुटीर है, जिसे मीरा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने सत्य के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के लिए विनोबा भावे को आदर्श सत्याग्रही के रूप में सम्मानित किया था। वे यहाँ 1918 से 1921 तक रहे। बाद में उन्होंने भारत में भूमिदान के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मेडेलिन स्लेट गांधी की विचारधारा के प्रति समर्पित थी, जिन्हें उन्होंने रोमेन रोलैंड की पुस्तक से सीखा था। गांधी ने उन्हें मीरा कहा। वह आश्रम की गतिविधियों में मदद करती थी। वह 1925 से 1933 तक इस आश्रम में रही थी। विनोबा कुटी के पास नंदिनी भवन है। यह आश्रम का गेस्ट हाउस था। यहाँ कई राष्ट्रीय नेता और आश्रम के गेस्ट रुका करते थे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, दीनबंधु, सीएफ एंड्रूज, हेनरी पोलॉक, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि लोग नंदिनी में रहने वालों में शामिल थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उद्योग मंदिर है। उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल के दौरान हुई थी। शुरुआत में गांधी जी एक छोटे से कमरे में रहते थे। उद्योग मंदिर आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा का प्रतीक था।
इसने देश में स्वराज और खादी का संदेश फैलाया। इस आश्रम के लिए मगन निवास खास है। मगनलाल गांधी गांधी जी के भतीजे थे और दक्षिण अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम के दिनों से गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी उन्हें आश्रम की आत्मा कहा करते थे। मगनलाल गांधी वास्तुकार और कुशल प्रबंधक थे। उन्होंने चरखा और चरखे के विभिन्न उन्नत डिजाइन पेश किए थे, बाद में जो क्रांति का प्रतीक बन गया और जिसने अंततः खादी को जन्म दिया। 1928 में उनकी मृत्यु पर गांधी ने टिप्पणी की थी, मैं विधवा हो गया हूँ। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।